अब मुझे बताइए, हर हिंदुस्तानी को चंद्रयान से गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर हिंदुस्तानी का माथा ऊंचा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी कुछ ही दिन पहले 1 अक्टूबर को पूरे देश ने गांधी जी को स्वच्छता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। 1 अक्टूबर को देखिए, हिंदुस्तान एक तरफ चंद्रमा पर भी जाता है तो दूसरी तरफ 1 अक्टूबर को 9 लाख से ज्यादा कार्यक्रम देश भर में हुए। इन कार्यक्रमों में करीब 9 करोड़ लोगों ने खुद जाकर के सफाई का काम किया, स्वच्छता का काम किया और गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय संकल्पों से खुद को जोड़ने के उसकी अभिलाषा हम भारतीयों को हर लक्ष्य तक लेकर जाएगी। हम आत्मनिर्भर बनने के लिए, विकसित बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी आज हर देशवासी की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2 अक्टूबर को दिल्ली के दो दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली का एक खादी मंडार, मैं एक ही खादी मंडार की बात कर रहा हूं, 2 अक्टूबर को एक दिन में दिल्ली के एक खादी भंडार में 1.5 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों की बिक्री हुई है। 1.5 करोड़! कितने गरीबों का भला हुआ, कितने गरीबों के घर में रोजी रोटी मिली, ये काम हम करते हैं। वाकई साथियों, मेरा देश बदल रहा है, वो चंद्रयान पर भी जा रहा है, वो सफाई भी कर रहा है, वो वोकल फॉर लोकल भी कह रहा है और इसमें राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन मेरे परिवारजनों, कांग्रेस साथ आज एक दिक्कत हो गई है, वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जरा जोर से बोलिए, ये आगे वाले भी कह रहा, कुछ अगर सुनते हैं तो बोलिए, क्या दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कांग्रेस वालों को नहीं लगता है, उनको दुख होता है। भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। कांग्रेस तो इससे भी परेशानी है और ये मोदी की गारंटी है। आप देख लेना, कुछ ही वर्षों में मोदी 10 नंबर से पहले 3 में पहुंचा के रहेगा। भारत ने, अब देखिए कितने बड़े गर्व की बात है कि भारत ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देशवासियों के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। आप मुझे बताइए, वैक्सीन ने आपकी जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? आपका जीवन बचाया कि नहीं बचाया? करोड़ों लोगों की जान बची कि नहीं बची? अब कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। वैक्सीन से जुड़े भारत के भगीरथ प्रयास, इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है।
हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर, वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, अपने लैब में एक ऋषि की तरह साधना की और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया, उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है, वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन वॉर फिल्म बना करके देश के वैज्ञानिकों को और विज्ञान को महत्व दिया, आने वाली पीढ़ी को ये बहुत काम आने वाला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने उसे देश के वैज्ञानिकों की और न ही देश के जवानों की या न तो किसी किसान की उसे कोई लेना देना ही नहीं है, कुर्सी के सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने हमारे सैनिक परिवारों तक को धोखा दिया हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है। 2014 से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, और फौजियों के बीच जाकर के उनके आंख में धूल झोंकने के लिए काम किए, बहुत सारी ड्रामेबाजी की, उनके चार छह चेले चपाटे भी बयान देने आ गए। किया क्या, 500 करोड़ रुपया का प्लान बनाया, 500 करोड़ रुपया। अब 500 करोड़ का प्लान बनाया, कांग्रेस को पहले दिन से पता था कि 500 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है, जानते थे वन रैंक वन पेंशन हो ही नहीं सकता है, उनको पूरा पता था, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने की हिम्मत थी, उसमें झूठ बोलने की ताकत थी, भ्रम फैलाने की आदत थी। वन रैंक वन पेंशन का वायदा मोदी ने गारंटी दी थी, मोदी ने पूरा किया और आप हैरान रह जाएंगे, वन रैंक वन पेंशन के तहत अभी तक देश भर के सैनिक परिवारों को 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, 70,000 करोड़। 1,00,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एक एक परिवार को मिले हैं। आप बताइए, 1,00,000 परिवारों को 4,000 करोड़, ये मामूली चीज नहीं है भैया। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़, ये कांग्रेस के खेल समझिए भाइयों। आप सोचिए, कहां कांग्रेस के 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़, इतना झूठ बोलते हैं लोग। साथियों, कांग्रेस ने हमारे छोटे किसानों को भी नहीं पूछा, कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया और हजारों किसानों की जमीन नीलाम कर दी। जिन किसानों ने जान दी है उसका जिम्मेदार कौन है? यहां के जो हमारे बाजरा उगाने वाले किसान हैं, उनके बारे में भी बीजेपी ने ही सोचा है। भाजपा सरकार बाजरे को, मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में नई पहचान देने में जुटी है। G20 सम्मेलन के दौरान बाजरे की रोटी, दूसरे श्री अन्न के पकवान हमने दुनिया भर के नेताओं को परोसे, हमें गर्व होता है और इसे हमारे मेहमानों ने भी बहुत पसंद किया। भाजपा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर छोटे किसान के खाते में 28,000 रुपये भी जमा कराए। मेरे परिवारजनों, गरीबी क्या होती है और गरीब का दर्द क्या होता है,
ये मैं ज्यादा समझ सकता हूं। मैंने गरीबी को जिया है। 2014 के बाद से देश में जो नीतियां बनी है उससे गरीबी तेजी से कम हो रही है। सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। गरीब कैसे सशक्त हो, गरीब का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, इसके लिए मैं दिन रात जुटा हूं। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। हमें राजस्थान को विकसित बनाना है। इसके लिए हमें हर बूथ पर कमल खिलाना है। हर बूथ पर कमल खिलाओगे, हर बूथ पर कमल खिलाओगे, घर घर जाओगे, मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों, जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। मुझे मारवाड़ के जन जन पर भरोसा है। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहने आई, मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।